ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए जनता की ताकत, जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो युवा नेता का साथ मिला और अधिकारियों के पास कोई जवाब ना था, और फिर जो काम 24 महीनों में न हो सका मात्र 24 घंटों में ही शुरू हो गया। सुकृत सागर ने कहा कि इस काम के लिए मैं भी लोगों के साथ देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस काम के लिए ये राशि 2017 में ही स्वीकृत करवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये काम आज तक शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये काम शुरू हुआ है। देखिए जनता की ताकत, जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो युवा नेता का साथ मिला और अधिकारियों के पास कोई जवाब न था, और फिर जो काम 24 महीनों में न हो सका मात्र 24 घंटों में शुरू हो गया। दरअसल बात है पड्डल से ढोंटा सड़क की। लोगों का कहना है कि इस सड़क को बनाने के लिए अगस्त 2017 से ही देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि ने 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसके बाद लगभग एक साल पहले ही इस सड़क निर्माण का टेंडर अवार्ड कर दिया गया था, लेकिन विभाग आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाया था। बीते दिनों लोगों ने अपनी इस समस्या को देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर के समक्ष रखा था। उसके बाद सुकृत सागर ने अधिकारियों से बात कर जल्द इस काम को शुरू करवाने का निवेदन किया था तथा मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस समस्या को रखने की बात की थी, और उसके बाद जल्द ये काम शुरू करवा दिया गया था। आज लोगों के कहने पर काम को देखने पहुंचे भाजपा नेता सुकृत सागर का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा इतनी जल्दी काम शुरू करवाने के लिए उनका अभिनंदन किया, धन्यवाद किया। लोगों ने काम शुरू होने की खुशी में लड्डू तथा मिठाइयां बांटी। बोलो, मैं भाजपा युवा नेता का सुकृत सागर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो इन्होंने हमारी समस्या को सुना और इन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क का काम शुरू करवाया। ये जो रास्ता बनवाया है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा बनवाया है। हमारी यही मांग है सरकार से कि ये आगे का भी जो रास्ता है उसका जो काम है वो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी उठानी पड़ती है। सुकृत सागर ने कहा कि बीते दिनों ये मामला उनके ध्यान में स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया था। ये पूरा मामला अधिकारियों की लापरवाही का था, या हो सकता है अधिकारी किसी दबाव में रहे हों, जिसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की थी और परिणाम आज आप सबके सामने है। सुकृत सागर ने कहा कि इस काम के लिए मैं भी लोगों के साथ देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस काम के लिए ये राशि 2017 में ही स्वीकृत करवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये काम आज तक शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये काम शुरू हुआ है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि तथा अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूँ। सागर ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे और भी बहुत से मामले उनके ध्यान में है तथा लोग भी ऐसे मामले उनके ध्यान में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस मौके पर संजय शर्मा, सन्नी कुमार, संदीप कुमार, सुरजीत कुमार, यशपाल कुमार, परमजीत, जोगिंदर, पवन आदि मौजूद रहे। देहरा के लिए जो पैसा है वो अगस्त 2017 में सैंक्शन हुआ था। देहरा के पूर्व विधायक माननीय रविंदर रवि जी ने ये पैसा स्वीकृत करवाया था। उसके बाद आज तक जो है ये काम शुरू नहीं हो पाया था। मेरे ध्यान में ये मामला गत दिनों आया और उसके बाद मैंने सारी ये बात प्रशासनिक अधिकारियों से की और सरकार के समक्ष भी ये बात रखी थी, और मैंने पिछले सप्ताह जो है यहाँ का दौरा किया और ये हालत देखी और अधिकारियों को ये बात पहुँचाई कि ये कार्य बड़े दिनों से लंबित पड़ा और ये कार्य शुरू नहीं हो रहा है। उसके तुरंत बाद अधिकारियों ने ये कार्य शुरू किया है। इसके लिए मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम जी का धन्यवाद करता हूँ और देहरा के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रविंदर रवि जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये राशि स्वीकृत करवाई, और साथ ही सारे गाँव वासियों को, इलाका वासियों को बधाई देता हूँ।